हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेकर। ये काफी अवेटेड जॉब की अपडेट है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी आई है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपकी निकल के आई है CRPF की तरफ से, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। काफ़ी अवेटेड वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे। एज यू ऑल नो कि ये वैकेंसी लास्ट टाइम आपको फरवरी 2023 में निकली थी, जिसका रिजल्ट इस साल आपको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो फाइनली अब न्यू वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। टोटल पोस्ट की अगर बात करूं तो 1020 सीट्स रहेंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए आपका 97 रहेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपका 723 पोस्ट रहेगा। तो अगर इस पोस्ट के रिगार्डिंग आप डिटेल में नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ फॉलो कर लीजिए। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका अप्लाई डेट क्या रहेगा। फ्रेंड्स, 15th of June से लेके 15th of July तक आपका ये फॉर्म रहने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई होगा। और फ्रेंड्स, इसके लिए जो फॉर्म की फ़ी है ना, जनरल OBC EWS से 100 रुपीज़ लिया जाएगा, वहीं पर SC ST कैंडिडेट एंड फीमेल से कोई फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज की लिमिट। सबसे पहले तो ये जानेंगे किस डेट से आपका एज कैलकुलेट होगा। एज ऑन 15th of July 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 25 वर्ष, विच मीन्स 18 to 25 ईयर्स के कैंडिडेट। देखिए, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि बॉर्न बिटवीन 16th of July 1999 to 15th of July 2006, मतलब कि जिन भी कैंडिडेट का जन्म 16 जुलाई 1999 से लेके 15 जुलाई 2006 के बीच में हुआ, वो सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे। आपको पता है कि अपर एज में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिलैक्सेशन दिया जाता है। OBC को मिलता है 3 ईयर्स एंड SC ST को 5 ईयर्स का। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं कि क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन, बहुत ही सिंपल सी रिक्वायरमेंट है आपका 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट, मतलब कि अगर आपने 12वीं या उसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। अब बात कर लेते हैं, ये सारी तो बेसिक की डिटेल्स हो गई, सेलेक्शन प्रोसेस क्या है, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, यू हैव टू क्लियर 4 स्टेज। At first stage, you have to clear the online CVT, online computer based test होगा आपका। उसके बाद आपका skill test होता है। As you all know कि ये स्टेनो की पोस्ट है और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल है, तो इसमें आपका skill test होता है, typing की भी test होती है। उसके बाद physical होगा, इसका physical बहुत simple होता है। देन DVN मेडिकल होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेज वाइज स्टेज अच्छे से समझ लेते हैं। पहले स्टेज पर जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए, विच मीन्स पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलेंगे। टाइम रहता है 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट, डेढ़ घंटे का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होता है, सो वी अवेयर, सोच समझ के टिक करेगा, जहाँ पर कन्फ्यूजन लगे उस क्वेश्चन को टिक ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1/4 मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो गए। अब सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, जो जिसमें आप कम्फर्टेबल हो, जो आपको अच्छे से आता हो, उसका 25 क्वेश्चंस रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस, लास्टली जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस होंगे। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट होता है, आपको पता है, पहले ही बता दिया कि टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी से अगर आप करोगे तो मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, फॉर इंग्लिश मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। इसको क्वालिफाई करेंगे, देन सिंपल सा आपका एक फिजिकल होगा, जिसमें हाइट का मेजरमेंट होगा एंड फॉर मेल कैंडिडेट चेस्ट का भी मेजरमेंट होगा।
चलिए समझा देती हूँ हाइट क्या रिक्वायर्ड है। देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट का पहले बता दूं 165 सेंटीमीटर रहेगा, जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल्स में जो जनरल कैंडिडेट है उनका 155 और रिजर्व कैटेगरी वाले 150 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स जनरली आपका 77 to 82, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वहीं पर रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 76 to 81 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर। इसको क्वालिफाई करेंगे देन आपका DVN मेडिकल होगा। रही बात एग्ज़ाम सेंटर की, तो वो ऑल ओवर इंडिया में होता है, आपके नियर बाई सिटी में ही एग्ज़ाम सेंटर देगा। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया का रहेगा, तो जब आप सर्व करोगे सैलरी क्या मिलेगी, दोनों ही पोस्ट के लिए बता देती हूँ। ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है फ्रेंड्स। ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए 29,200 रुपीज़, 30,000 के तकरीबन सैलरी से आपकी शुरुआत होती है। आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 92,300 रुपीज़ हो जाती है। एंड फॉर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल शुरुआती दौर में 25,500 से शुरुआत होती है, बाद में आपकी सैलरी 81,100 रुपीज़ हो जाती है। तो है ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आई होप इस अपॉर्चुनिटी की सारी डिटेल आप समझ गए होंगे। अब भी आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके क्लियर कर लेना। अदरवाइज पहले ही बता दिया कि इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगे फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।